टेंडो एक्लीस का टीयर या टेंडिनाइटिस, मतलब जो एडी है उसके पीछे का जो एरिया, रेट्रो कैल्केनियल एरिया, वहाँ पे पेन होना, वहाँ पे कई बार गांठ बन जाती है, वो मोटा होता है, सूज जाता है। आखिर ये किस वजह से होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट। टेंडो एक्लीस पेन या टेंडो एक्लीस टीयर या रेट्रो कैल्केनियल पेन, ये आपके एडी के पीछे होता है। एडी के पीछे जो कैल्केनियम की हड्डी होती है दोस्तों, वहाँ पर जब टेंडन एक होता है, टेंडो एक्लीस, वो वहाँ जुड़ता है। वहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो काफ़ी सीवियर पेन होता है, सूजन हो जाती है, कई बार वहाँ पर हड्डी भी बढ़ जाती है। इनिशियल ट्रीटमेंट इसका रहता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, काफ़ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, काफ़ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग का कॉम्बिनेशन आप करते रहेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे आपका पेन ठीक हो जाए। आप एक हाई हील के शूज़ पहन सकते हैं जो फ्लैट प्लेटफॉर्म के, उससे भी उसमें आराम मिलता है। पर दोस्तों, अगर उसके बाद भी हीलिंग नहीं आ रही है, टेंडिनाइटिस लिखी हुई आ रही है, पार्शियल टीयर लिखा हुआ है, वो पूरा नहीं टूटा है, तो हम इसे आप ही के ब्लड प्रोडक्ट से ठीक कर सकते हैं। हम आप ही के प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग निकालते हैं ब्लड से, उसको जब हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे हीलिंग होती है और आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी हड्डी जुड़ बन जाती है पीछे, या फिर वो कम्प्लीट टीयर हो जाता है चोट लगने की वजह से या डीजनरेशन की वजह से, और आपका पंजा चलना बंद हो जाता है। इस केस में दोस्तों उसका रिपेयर करना पड़ता है। कन्वेंशनल मेथड से जब रिपेयर करते हैं तो एंकर आते हैं, इस तरह के एंकर, इसके आगे एंकर लगे होते हैं, वो एंकर हम बोन में डालते हैं और एंकर से धागे निकलते हैं दोस्तों। इन धागों की मदद से हम उस टेंडन को पकड़ लेते हैं। ये है कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड से रिपेयर के बाद क्या होता है कि आपको बहुत लंबे समय तक प्लास्टर रखना पड़ता है, कम से कम 2 महीने प्लास्टर रखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आप वजन देते हैं, 6-7 महीने आपको रनिंग करने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि धागे शार्प होते हैं, वो काट सकते हैं आपके टेंडन को। जो सबसे लेटेस्ट मेथड है उसको रिपेयर करने का, उसका नाम है स्पीड ब्रिज। स्पीड ब्रिज में दोस्तों हम धागे की जगह हम टेप यूज़ करते हैं, फाइबर टेप। फाइबर टेप का नॉटलेस रिपेयर होता है। फाइबर टेप टेप होती है तो वो नए टेंडन को काटती नहीं है, साथ में ज़्यादा मजबूती से रिपेयर करती है। तो स्पीड ब्रिज के अंदर एंकर्स लगते हैं, उस तरह के एंकर होते हैं जो बोन में डिजॉल्व हो जाते हैं, और साथ में फाइबर टेप से रिपेयर करते हैं, डबल रो रिपेयर। तो स्पीड ब्रिज रिपेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन ट्रॉमेटिक होता है, उसमें गांठें नहीं लगानी पड़ती, तो चुभती भी नहीं है क्योंकि उसमें गांठ होती ही नहीं, वो नॉटलेस सर्जरी है। स्पीड ब्रिज रिपेयर करने के बाद बहुत ही कम समय तक प्लास्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ 15 दिन, जब तक कि वो हील नहीं जाए और आप जल्दी एक्टिव में आ सकते हैं। 3 महीने में आप बैक टू स्पोर्ट्स जा सकते हैं। तो अगर आपके MRI में टेंडो एक्लीस, टेंडिनाइटिस, टीयर या इस तरह का कुछ चीज़ लिखी हुई है और आप परेशान हो गए आखिर सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए, उसकी डिटेल में स्टडी करके बताऊँ कि सबसे आसान तरीका कैसा है उसे ठीक करने के लिए, कि हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर हम सर्जरी करते भी हैं तो स्पीड ब्रिज टेक्निक से कैसे जल्दी रिकवरी हम पा सकते हैं।